14 जुलाई दोपहर 2:35 पर भारत के लिए वो पल आया जब भारत का बाहुबली रॉकेट यानी कि हमारा अपना LVM3 M4 लॉन्च हुआ और अंतरिक्ष की तरफ बढ़ने लगा। ये रोंगटे खड़े कर देने वाला पल ऐसा था जो सभी भारतीयों को याद होगा। इसे बहुत से भारतीयों ने अपने लाइफ कैमरा में कैप्चर करा और आंखों से देखा। ये बादलों को चीरते हुए LVM3 M4 बाहुबली रॉकेट अपनी चंद्रमा की यात्रा पर निकल पड़ा था। ये अंतरिक्ष में बहुत ही तेज़ी से पहुंचा और भारत का एक शक्तिशाली रॉकेट था। अंतरिक्ष में पहुंचकर बूस्टर्स रॉकेट से अलग हो गए। इन बूस्टर्स को सॉफ्टवेयर की मदद से अलग करके ऑस्ट्रेलिया के पास समुद्र पर में गिराया गया था जो कि बाद में कलेक्ट कर लिया गया। और रॉकेट्स का मेन लिक्विड इंजन चंद्रयान को पूरी रफ्तार से आगे ले जाकर आगे बढ़ाता गया। फिर लिक्विड इंजन अलग हो गया और इसके बाद क्रायोजेनिक इंजन स्टार्ट हुआ और चंद्रयान 3 को लो अर्थ ऑर्बिट से हायर अर्थ ऑर्बिट में ले जाने लगा। फिर प्रोपल्शन मॉड्यूल यानी कि PM और लैंडर मॉड्यूल जिसमें कि रोवर भी है वो उसके साथ चंद्रमा की लंबी यात्रा पर निकल पड़ा और पृथ्वी के चक्कर लगाने लगा। ये पृथ्वी के चक्कर अंडाकार आकार में लगाने लगा और धीरे धीरे अपने आकार को बड़ा करने लगा। प्रोपल्शन मॉड्यूल धीरे धीरे लैंडर मॉड्यूल के साथ अपने ऑर्बिट को बड़ा करता गया और चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश कर गया। इस बार चंद्रयान 2 से अलग चंद्रयान 3 में पहला हिस्सा प्रोपल्शन मॉड्यूल है और दूसरा लैंडर मॉड्यूल विक्रम जो कि चांद की सतह पर आज उतरने वाला है। जी हाँ, और इस लैंडर मॉड्यूल के अंदर रोवर प्रज्ञान भी है जो कि चांद की सतह पर सरफेस पर चलेगा और वहीं जानकारी जुटाएगा। अभी इस समय लैंडर मॉड्यूल अपने प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग हो चुका है और चांद से करीब 25x134 किलोमीटर के ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है। ये है कुछ इसरो की अभी लेटेस्ट इमेजेस जो जारी करी गई हैं जो कि चंद्रयान ने क्लिक करी हैं। आप देख सकते हैं इसमें कितने क्रेटर्स हैं। तो इस लैंडर मॉड्यूल और रोवर को चांद के साउथ पोल पर उतरना है यानी कि 23 अगस्त की शाम को 6:04 पर लैंडर चंद्रमा की सतह पर लैंड करेगा और इसके बाद लैंडर मॉड्यूल अर्थ पर सिग्नल्स भेजेगा। जब सिग्नल्स भेजेगा तो यहाँ पर इसरो को सारे इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि हमारा लैंडर सेफली सॉफ्ट लैंडिंग कर चुका है या नहीं। लेकिन इसमें अगर लैंडर मॉड्यूल नहीं उतर पाता है तो इसको उतारने के लिए इसरो ने दो साइट्स को और चूज़ करा हुआ है जिसको कि इसरो अगर कोई भी गड़बड़ होती है तो 27 अगस्त में फिर से ट्राई कर सकता है। इस बार भी चंद्रयान 3 को लैंड करवाने के लिए दो लैंडिंग साइट्स को निश्चित किया गया है यानी कि प्राइमरी लैंडिंग साइट और अगर यहाँ पर लैंडिंग नहीं हो पाती है तो फिर अल्टरनेट लैंडिंग साइट जो कि उससे कुछ किलोमीटर की दूरी पर है उसे चुना जाएगा। जैसे ही लैंडिंग साइट निश्चित हो जाएगी फिर लैंडर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा और उसके बाद लैंडर में से कुछ इस तरह से डोर ओपन होगा जिसमें से रेल के थ्रू रोवर प्रज्ञान बाहर निकलेगा और चंद्रमा की मिट्टी पर चलते हुए इसरो के लोगों और भारत के अशोक चिन्ह की भी छाप छोड़ेगा। इसके बाद लैंडर मॉड्यूल चंद्रमा की सतह से पृथ्वी पर सिग्नल भेजेगा जिससे कि इसरो के साइंटिस्ट को उसकी पूरी प्रॉपर जानकारी होगी। ये मिशन 14 अर्थ डेज यानी कि एक ल्यूनर डे के लिए डिज़ाइन करा गया है जहाँ पर सूर्य की रोशनी मौजूद रहती है, लेकिन अगर सब कुछ सही रहा तो इसे फर्दर एक्सटेंड भी किया जा सकता है। आज चंद्रयान 3 हर भारतीय के लिए अपने सपने को पूरा जरूर करेगा। इसी शुभकामना के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करेगा और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करेगा। धन्यवाद।